शुक्रवार को कर्नाटक दौरे पर गए पीएम मोदी का बेंगलुरु में भव्य स्वागत हुआ। लोगों की जुटी भारी भीड़ और शोर के बीच पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विधान सौधा में कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई जाने वाली दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। पीएम मोदी ने करीब 5,000 करोड़ की लागत से तैयार कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। इसकी वजह से एयरपोर्ट की क्षमता 2.5 करोड़ यात्री प्रति वर्ष से बढ़कर 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल के गेट लाउंज में लगभग 6,000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके बाद पीएम मोदी ने नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसे समृद्धि की मूर्ति का नाम दिया गया है और ये बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक कैंपेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की यह पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिसका वजन 220 टन है, जिसमें 4 टन तो सिर्फ इसके तलवार का वजन है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को कई सौगातें दी।